हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर BTS आर्मी ये जानती है कि जंगकुक कतर निकल चुके हैं और जहां कतर पहुंचने के बाद उनका वहां पर आर्मीज ने ग्रैंड वेलकम भी किया है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि रिसेंटली ही ये न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रही है कि कतर में काफी सारे लोगों की जान खतरे में है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि जंगकुक की जान को भी बहुत ज्यादा खतरा है, जिसकी वजह से आर्मीज जंगकुक को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। हालांकि फ्रेंड्स, काफी सारे BTS आर्मी को कुछ ऐसा पता चला है जिससे आर्मीज की टेंशन काफी कम हो गई है, और वो न्यूज ये है कि जंगकुक को कतर में काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी दी जा रही है। फ्रेंड्स, काफी ज्यादा फोटोज और वीडियोस जंगकुक की वायरल हो रही है, जिसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि जंगकुक को कतर में कहीं भी अगर ले जाया जा रहा है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हाई क्लास कार मंगाई जा रही है, जिसमें काफी सारी सिक्योरिटी है। और फ्रेंड्स, यही नहीं, आर्मीज ने ये भी शेयर किया है कि जब भी जंगकुक को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाया जा रहा है तो उनके आगे पीछे काफी सारे सिक्योरिटी वाले कार को अरेंज किया गया है। और फिर इतने सारे कार के बीच में आर्मी ये भी पता नहीं लगा पा रही थी कि कौन सी कार जंगकुक की है, जिससे उनका वेट कर रही आर्मीज काफी ज्यादा सैड भी हो गई थी, क्योंकि जंगकुक अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही स्टेडियम पहुंच रहे थे और इन्हीं सब वजह से कतर की आर्मीज जंगकुक को देख नहीं पा रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स, जंगकुक की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उनका इस शेड्यूल को फॉलो करना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और जंगकुक की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि उन्होंने अपने कार के शीशे को भी नीचे नहीं किया। फ्रेंड्स, यही नहीं, काफी सारी कतर की आर्मीज ने ये भी इन्फॉर्म करा है कि रिसेंटली ही इतना ज्यादा वायलेंस फैल रहा है, जिसकी वजह से काफी सारी आर्मीज परेशान हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स, BTS के मैनेजर ने ये इंश्योर किया है कि जंगकुक की सेफ्टी का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ सीक्रेट सोर्स से भी पता चला है कि जब बाकी मेंबर्स और जंगकुक की सिक्योरिटी जंगकुक को लेकर उनके प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जा रही थी तो उन्हें उस वक्त बाय रोड नहीं ले जाया गया था। इनफैक्ट उनके लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक किया गया था, जिससे उनको पूरी सेफ्टी के साथ स्टेडियम ले जाया जा सके, जिससे उनके लाइफ को जरा सा भी खतरा ना हो। और जहां जंगकुक को लेकर इतनी सारी टेंशन आर्मीज के दिमाग में चल रही थी, तो वहीं अब ये सारी न्यूज सुनकर आर्मीज काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही है, क्योंकि इससे पहले काफी सारी आर्मीज को इस बात का काफी ज्यादा टेंशन था कि जंगकुक इतने डेंजर प्लेस पर जा रहे हैं, जिससे जंगकुक को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि जहां की गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब तक उनका बाहर वाले साथ देंगे तब तक वो भी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। फ्रेंड्स, यही नहीं, रिसेंटली ही कतर में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वहां पर कुछ भी करने पर तुरंत ही वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा रीजन था जंगकुक की सेफ्टी को लेकर। और रिसेंटली ही काफी सारे लोग कतर में अपनी जान को भी गवा बैठे हैं, और ऐसे में जंगकुक का इतने डेंजर के बीच में उस कंट्री में प्रेजेंट होना काफी ज्यादा रिस्की है। इन सब से हटकर काफी सारे लोग और हेटर्स का ये भी प्लान है कि जंगकुक के परफॉर्मेंस को बॉयकॉट कर दिया जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि जहां इतना ज्यादा इनजस्टिस कतर में फैला हुआ है तो वहां पर आकर जंगकुक को परफॉर्मेंस करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ आर्मीज अभी भी जंगकुक के होने वाली परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिसको दुनिया भर के लोग 20 या फिर 21 नवंबर को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि लोगों का जंगकुक के परफॉर्मेंस को लेकर बॉयकॉट करना सही है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।